Hey guys, welcome back in the YouTube channel CodeInFarm. This is the third video of C language fundamental playlist which I recently started on my channel. आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं अपनी C लैंग्वेज में. इस वीडियो को देखने के बाद आपको वेरिएबल्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे और जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें वेरिएबल्स का जो पर्पस है वो सेम है. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक कोड स्ट्रक्चर से. सो मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ अपना एक बेसिक कोड स्ट्रक्चर. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोग्राम. सो अभी हम वेरिएबल्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जो वेरिएबल का सिंटैक्स है पहले हम उसको देखते हैं. तो उसके लिए मैं कमेंट्स का यूज़ करता हूँ. तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू या फिर किस टाइप की डाटा को स्टोर करेगा. उसके बाद हम लिखते हैं अपने वेरिएबल का नेम और उसके बाद उसको हम असाइन करते हैं एक वैल्यू और उसके बाद सेमीकोलन से हम उसको एंड करते हैं. जस्ट मैंने टाइप किया एंट और वेरिएबल का नेम, उसके बाद मैंने इसको एक वैल्यू असाइन की 200. इसके बाद मैं यूज़ करूँगा अपने क्लियर स्क्रीन मेथड का जिससे जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं वो मुझे अपने कंसोल पे ना दिखें. इसके बाद मैं इसको करूँगा प्रिंट एफ मेथड का यूज़ करूँगा. सो बेसिकली अगर आप कोई भी और लैंग्वेज में जाके प्रिंट आउट लगाते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सीधी प्रिंट हो जाती हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में ये नहीं होता. सी लैंग्वेज में आपको एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होता है. सो हर एक डाटा टाइप के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बना हुआ है. तो इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं %d या फिर %i. सो मैं %d यूज़ करता हूँ. डबल कोट्स में जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो डबल कोट्स में होना चाहिए. उसके बाद मैं यूज़ करूँगा कॉमा का और उसके बाद जो मेरा वेरिएबल है उसका नेम और सेमीकोलन से मैं लाइन को एंड करूँगा. इसके बाद मैं अपना जो गेट CH मेथड है उसका यूज़ करूँगा और उसके बाद जो मेरा मेन मेथड है उसमें मैं रिटर्न 0 करूँगा. सो इसको मैं सेव करता हूँ. सेव करने के बाद मैं Ctrl+F9 से इसको कंपाइल और रन करूँगा. सो जो हमारा आउटपुट है 200 वो डिस्प्ले हो चुका है अपने कंसोल में. अगर मैं एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. लेट सपोज माई नेम और माई नंबर, इसके बाद एज इज इक्वल टू 22, एक्स इज इक्वल टू 5. वेरिएबल्स हैं उनको हम शॉर्ट नेम में भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने एक्स यूज़ किया है, और उनको हम डिस्क्रिप्टिव नेम्स में भी लिख सकते हैं जैसे कि माई नम और एज. सो जो डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम होते हैं उनसे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में जो वेरिएबल है हम किस लिए यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जब भी आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे आप डिस्क्रिप्टिव नेम का ही यूज़ करोगे. अगर आपको कोई टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए तो आप उसको भी एक डिस्क्रिप्टिव नेम दोगे ताकि थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो. सो वेरिएबल लिखने के कुछ रूल्स हैं. जैसे कि आपका जो वेरिएबल है, लेट्स सपोज इंट, जो आपका वेरिएबल है वो कभी भी डॉलर से या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा, ये गलत है. और जो आपके वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव है, विच मीन्स अगर आप माई वेरिएबल और माई लिखते हैं तो वो बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों वेरिएबल्स अलग हैं. और मोस्टली जब भी आप वेरिएबल्स लिखते हैं तो आप कैमल केस में वेरिएबल्स को लिखें, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहती है. जैसे कि मैंने माई नम लिखा है जिसमें मैंने माई एम जो है स्मॉल लेटर में है और जो मेरा नम है उसका जो एन है वो कैपिटल में है. वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए या तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं और या फिर आपको अंडरस्कोर यूज़ करना है. वेरिएबल्स के अंदर आप डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल्स के नेम जो हैं वो यूनिक होने चाहिए. अगर आप कोई भी वेरिएबल है उसको दो बार डिक्लेयर करते हो तो वो आपको एरर शो करेगा
और जो कंपाइलर है उसको जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि आपने कौन सा वेरिएबल चूज़ किया है, तो इसीलिए वो आपको एरर थ्रो करेगा। जितने भी यूनिक नेम होते हैं वेरिएबल्स के, उनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। सो जिनसे हमें ये आइडेंटिटी मिल जाती है कि जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है वो किस लिए, किस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया है। जितने भी सी लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड्स हैं, आप उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने इंट लिखा और इंट के बाद मैं कभी भी इंट नाम का वेरिएबल नहीं ले सकता, ये प्रॉपरली एक एरर है, गलत है। जैसे कि रिटर्न, सो रिटर्न को मैं एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकता। सो जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनसे आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए हम आने वाली वीडियो डाटा टाइप्स में और ज़्यादा जानेंगे कि कितने प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए। सो बेसिकली आई होप कि आपने वेरिएबल्स को समझ लिया है कि वेरिएबल्स का जो मेन मकसद है किसी भी लैंग्वेज में वो क्यों है। बिकॉज हमें काफ़ी डाटा चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द एप्लीकेशन। सो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स की नीड बहुत ज़्यादा होती है और हम काफ़ी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ताकि हम उस डाटा को स्टोर कर सकें। आने वाली वीडियोस में हम सी लैंग्वेज की एडवांस टॉपिक तक जाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब चैनल को। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, इस चैनल को, ताकि वो भी सी लैंग्वेज को सीख सकें। थैंक यू गाइस।